मिड कैप कंपनीज ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जो मार्केट में अच्छी प्रेजेंस के साथ साथ ग्रोथ का भी पोटेंशियल रखती हैं। इन कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करके आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं थैंक्स टू देयर रिटर्न पोटेंशियल। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सब कैटेगरी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मिड कैप फंड की बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क के रिटर्न्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट किया है। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के बारे में। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। आपने अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। एज पर सेबी कैटेगराइजेशन मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो ऑन द इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से लेकर 250 तक रैंक करती हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल ग्रोथ अचीव करना लॉन्ग टर्म में बाय इन्वेस्टिंग इन अ मैक्सिमम ऑफ 30 क्वालिटी मिड कैप कंपनीज जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेजेस और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों होते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एक ओपन एंडेड मिड कैप फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। आइए अब सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। पिछले एक साल में फंड ने 24.84% के रिटर्न्स दिए हैं विच इज़ अ ग्रेट नंबर। फंड ने एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है बिकॉज 85% ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। 3, 5 और 7 साल में 26.66%, 12.76% और 11.92% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड की लॉन्च फरवरी 2014 से आज तक के रिटर्न्स देखें तो वो है 19.97%। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो ज़्यादातर एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के 96.3% एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं और बाकी सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंस में हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में मेजॉरिटी एसेट्स मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं जो है अबाउट 81.31% ऑफ द पोर्टफोलियो। अब देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को। फंड एक फोकस स्ट्रेटजी फॉलो करता है मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए फंड के एसेट सिर्फ 26 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में है एट 12.69%, फीनिक्स मिल्स में 9.42% और गुजरात गैस में 8.95%। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 68.80% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के एसेट्स 11 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है विद 18.18% एंड टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटोमोबाइल जिनकी वेटेज 44.21% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड की वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड लग रही हैं। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 6.52 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44 है। बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि अक्सर अच्छी और हाई ग्रोथ वाली मिड कैप कंपनीज हाई वैल्यूएशंस पर ही ट्रेड करती हैं। अब देखते हैं इस फंड के फीचर्स को। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 जून 2022 2,575 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.07% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ की है एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट भी 500 रुपीज़ ही है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के फंड मैनेजर मिस्टर निकेत शाह हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगता है। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 15 डेज के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 15 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेंस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%।
अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1,00,000 रुपये से ज्यादा होंगे तब। ये तो थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स। बट अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फंड्स अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क तो हाई है, और साथ ही साथ ये फंड अपने एसेट्स को प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखें कि मिड कैप कंपनीज इंडिया की टॉप ग्रोइंग कंपनीज में होती हैं, जिस वजह से इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा रहता है। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन एटलीस्ट 3 to 5 years रहना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो के रिस्क कम हो जाए और रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स बन सकें। अगर स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। दिस इज़ बिकॉज फंड का 85% पोर्टफोलियो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ अलाइंड है, जिससे हम फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में भी क्वालिटी मिड कैप कंपनीज प्रेजेंट है, तो अगर आप मिड कैप में अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ऑल्सो ये फंड हमारे इस क्वार्टर के टॉप 3 रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स में से एक है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें WhatsApp मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.